गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम ऐकिक नियम एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने जा रहे हैं। ऐकिक नियम पहला सवाल देखिए, यदि 10 साइकिलों की कीमत 22,850 है तो 7 साइकिलों की कीमत ज्ञात कीजिए। 10 साइकिलों की कीमत हमें मालूम है 22,850, तो 7 साइकिलों की कीमत ज्ञात करना है। तो चूंकि पहला नंबर, चूंकि निशान कैसे लगता है, दो बिंदी ऊपर और एक नीचे। चूंकि 10 साइकिलों की कीमत 22,850 रुपये, 10 साइकिलों की कीमत बराबर 22,850 रुपये, इसलिए एक साइकिल की कीमत, तो यहाँ एक साइकिल की कीमत लिखो चाहे ऐसे लगा दो, एक साइकिल की कीमत बराबर क्या हो जाएगी, 22,850 बटे 10। समझ में आया? या तुम यहाँ लाइन भी खींच सकते हो, इसलिए एक साइकिल की कीमत 22,850 बटे 10। इसलिए निकालना कितनी है, 7 साइकिलों की कीमत, 7 साइकिलों की कीमत ज्ञात करना है, 7 साइकिलों की कीमत। तो 22,850 गुणे 7 बटे 10, ये 0 0 कर दिया बराबर, 7 का गुणा कर देंगे, 7 बना 35, 7×56=3, और 7×14=17, 14×5=19, 7×14=14=15, 15,995 रुपये कितनी हुई, 15,995 रुपये 7 साइकिलों की कीमत। समझ में आया? फिर से देखिए, चूंकि सवाल इसी तरह निकलना है, क्योंकि 10 साइकिलों की कीमत 22,850 रुपये है, इसलिए एक साइकिल की कीमत 22,850 बटे 10, इसलिए 7 साइकिलों की कीमत 22,850 गुणे 7 बटे 10, एक एक जीरो काट देंगे, देखो एक एक जीरो कट गया, अब 7 का गुणा 7 बना 35, 7×56=3, और 7×14=5=19, 7×14=15, 15,995 रुपये एक साइकिल की कीमत, एक साइकिल की नहीं 7 साइकिलों की कीमत होगी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम?
सेकेंड, 5 दर्जन डिब्बों की कीमत 80 रुपये है, तो 5 डिब्बों की कीमत क्या होगी? 5 दर्जन डिब्बों की कीमत 80 रुपये है, तो 5 डिब्बों की कीमत क्या होगी? दूसरा नंबर, 5 दर्जन डिब्बों की कीमत 80 रुपये, 1 दर्जन में कितने डिब्बे? 12। 5 दर्जन में डिब्बे बराबर में डिब्बे बराबर 5 × 12 बराबर 60 डिब्बे, कितने? 60 डिब्बे। अब चूंकि 60 डिब्बों की कीमत 80 रुपये, 60 डिब्बों की कीमत बराबर 80 रुपये, तो 1 डिब्बे की कीमत, इसलिए 1 डिब्बे की कीमत 80/60, इसलिए 5 डिब्बों की कीमत 5 डिब्बों की कीमत 5/60, 5 से कट गया 12 आया बराबर, अब ये कटेगा नहीं, 4 से कट गया, 4 × 12 4 × 8 बराबर 20/3 बराबर क्या होगा? 3×18 और 3×18 6.6 रुपये, ठीक है, 6.6 रुपये, समझ में आया? फिर से देख लीजिए, 5 दर्जन डिब्बे 60 रुपये मिलते हैं, 5 दर्जन के पहले हमने डिब्बे बना लिए, 5 दर्जन में कितने डिब्बे बने? 1 दर्जन में 12, 5 दर्जन में 5 × 12 गुणा कर दिया 60 डिब्बे, तो चूंकि 60 डिब्बों की कीमत 80 रुपये है, इसलिए 1 डिब्बे की कीमत 80/60, इसलिए 5 डिब्बों की कीमत तो 80×5/60, अब 5 से काट दिया 60 को 12 आया, अब 12 को काटा 4 से 7 × 12 4×8 0 20/3 हुआ, 20/3 बराबर 6.6 रुपये, कितना हुआ? 6.6 रुपये। फिर देखिए, 18 मीटर कपड़े का मूल्य 396 रुपये है, तो 14 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी? 18 मीटर कपड़े की का मूल्य 396 रुपये है, तो चूंकि 18 मीटर कपड़े का मूल्य
396 रुपए। इसलिए एक मीटर कपड़े का मूल्य 396/18। इसलिए कितने मीटर कपड़े का मूल्य निकालना है? 14 मीटर। 14 मीटर कपड़े का मूल्य ज्ञात करना है। 14 मीटर कपड़े का मूल्य 396 × 14/18। अब 18 से कट गया, 18 × 36 22 आया। 22 का गुणा करके 14 × 28 और 14 × 28 तो 30, 308 रुपये। ठीक, 308 रुपये। फिर से चूंकि 18 मीटर कपड़े का मूल्य 396 रुपये है, इसलिए 1 मीटर कपड़े का मूल्य तो अगली संख्या ऊपर और ये पीछे वाली पहले वाली संख्या कटेगी, 396/18। इसलिए 14 मीटर कपड़े का मूल्य 396 × 14/18, 18 × 36 बचे 3, 18 × 36 22 आ गया। 18 से 396 कट गया, 22 आ गया। 22 का गुणा 14 में करेंगे तो 308 रुपये कीमत आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए 10 टीनों में तेल 150 किलो है। 10 टीनों में 150 किलो तेल खजूर का है तो 17 टीनों में कितना तेल होगा? चौथा नंबर, 10 टीनों में क्योंकि 10 टीनों में तेल बराबर कितना है? 150 किलो। दस टीनों में तेल बराबर 150 किलो, इसलिए एक टीन में तेल बराबर 150/10। इसलिए 17 टीनों में कितने टीनों में? 17 टीनों में तेल कितना हो जाएगा? 150 × 17/10। 0 0 कट गया तो 17/85, 17×17 = 8, 25, 255 रुपये। 17 कितना आया? 55। ठीक है, तो 10 टीनों में तेल कितना है? 150 किलो। कितना? 150 किलो 10 टीनों में। तो एक टीन में 150/10, इसलिए 17 टीनों में 150 × 17/10, एक ही 0 काट दिया और 17 बचे या 15 × 17 = 35 और 15 × 15 = 17 = 85, 17 × 17 = 8, 25, 15 × 17 = 5, 15 × 15 = 10, 25, 255 किलो के। ठीक है, समझ रहे हैं? 10 टीनों में 150 किलो, तो 15 टीनों में 150 के आधा कितना हो गया? 75 और जोड़ दो, 225 हो गया। और बचा 2 टीन में, तो 2 टीन में कितना तेल हो जाएगा? 25। तो 2 टीन में कितना तेल हो? 30, तो 225 और 30 55। ठीक, साधारण तौर से लगा लो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि 10 टीनों में तेल बराबर 150 किलो, इसलिए 1 टीन में तेल बराबर 150/10, इसलिए 17 टीनों में तेल बराबर 150 × 17/10 बराबर 255 किलो तेल होगा। ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। गुड बाय।